अब बिहार के बेतिया जिले में भी आपको गोवा में जो पैरा सीलिंग होती है उसका मजा देखने को मिलेगा और इसका आप लुत्फ भी उठा सकते हैं। इसके लिए ट्रायल शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि गोवा में बड़े पैमाने पर पैरा सीलिंग स्पोर्ट्स एडवेंचर होती है। अब वैसा ही स्पोर्ट्स एडवेंचर बिहार में भी होने वाला है, जिसको लेकर के अब ट्रायल भी शुरू कर दिया गया है। बता दें कि बिहार का पहला वाटर स्पोर्ट्स स्थल पश्चिमी चंपारण जिले के गेटवे ऑफ बेतिया अमवा मन को पर्यटन स्थल वाटर एडवेंचर्स स्पोर्ट के रूप में विकसित करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। कुछ दिन पहले पैरा सीलिंग भी अमवा मन पहुंचा, जहां सफल ट्रायल किया गया। वहीं बेतिया जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि पैरा सीलिंग के सफल ट्रायल की उन्होंने काफ़ी प्रसन्नता जाहिर की। डीएम ने कहा कि अमवा मन अवस्थित वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स में पैरा सीलिंग की सुविधा पर्यटकों को और आकर्षित करेगी। वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स में पर्यटकों की सुविधा के मद्देनज़र सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। महिला पुरुष के लिए अलग अलग चेंजिंग रूम, शौचालय, पार्किंग स्थल आदि की व्यवस्था की गई है। अमवा मन आने वाले पर्यटक अब पैरा सीलिंग का आनंद ले पाएंगे। साथ ही पैडल बोट, बनाना राइड, जेट स्की, कनू, ट्री हाउस, फ्लोटिंग प्रोमिनेड आदि का भी लुत्फ उठा सकेंगे। यहाँ आने वाले पर्यटकों की सुविधा के मद्देनज़र विभिन्न आधारभूत संरचनाओं को डेवलप करने का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है, जो अब अपने अंतिम चरण में पहुँच चुका है। इसके लिए बेतिया जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने पर्यटन शाखा से जुड़े अधिकारियों सहित अन्य संबंधित अधिकारियों की सराहना की है और उनका हौसला भी अफजाई किया है। बिहार में ये पहला स्पोर्ट्स वाटर एडवेंचर पार्क बनने जा रहा है, जहाँ पर कई तरह के खूबसूरत वाटर एडवेंचर्स कर सकते हैं आप, और साथ ही इसका ट्रायल भी शुरू कर दिया गया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।